आज से 44 साल पहले इस देश में एक कंपनी बनाया गया जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई थी। उस कंपनी का नाम था सहारा इंडिया परिवार। अभी मैं सहारा इंडिया के हॉस्पिटल के सामने हूँ और मैं यहाँ से कुछ दिखाने का प्रयास करने वाला था और इन लोगों से मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बाहर से दिखाऊंगा, अंदर हॉस्पिटल से नहीं। तो इन्होंने कहा इनसे परमिशन लीजिए, इन्होंने कहा उनसे परमिशन लीजिए, उन्होंने कहा अंदर परमिशन लीजिए और अंदर वाले लोगों ने कहा कि अभी परमिशन लेना बाकी है। पिछले 15-20 मिनट से मैं यहाँ पे हूँ और परमिशन 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 का खेल चल रहा है। आज़ाद भारत में ना जाने कितने लोगों का पैसा सहारा लूट ले गया और ना जाने कितने लोग अपनी बच्ची के इलाज के लिए, अपने बच्चों के इलाज के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किए थे। न्यूज के बाद बात करूँगा। और वो लोग आज बर्बाद हो गए हैं और सहारा में ऐसा कहा जाता है विकिपीडिया के अनुसार 1.2 मिलियन इम्प्लॉई हैं, यानी 12 लाख इम्प्लॉई हैं। ज़रा सोचिए 12 लाख अगर यहाँ पे कर्मी हैं तो कितने लोगों ने पैसा इस सहारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो सहारा इंडिया को पहले ही पता था कि जब पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे हम लेके भागेंगे और जब भागेंगे तो आप बीमार हो जाओगे, तो इसीलिए लखनऊ में एक भव्य हॉस्पिटल बनवा दिया कि आप जैसे बीमार होंगे वैसे हॉस्पिटल में आ जाइए, हम आपका इलाज करेंगे। ये है सच्चाई। और सहारा इंडिया के जितने भी लोग हैं जो आज मर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? उनका पैसा का रिकवरी क्यों नहीं कराया जा रहा है? गरीब लोग थे, साधारण लोग थे, आम आदमी थे। सहारा इंडिया पहले क्या किया? मार्केटिंग किया। मार्केटिंग किस प्रकार से किया? भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप ले लिया। सारे क्रिकेटर अपने टी शर्ट पे सहारा इंडिया लगा के खेलना शुरू कर दिए। नाम रख दिया सहारा इंडिया, मतलब इंडिया का सहारा बनेगा ये। और आज इंडिया के लोगों को बेसहारा करने वाला यही कंपनी। और जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। मैं हॉस्पिटल के अंदर से नहीं वीडियो बनाऊंगा, इतना बड़ा जो है कैंपस है, क्या मैं बाहर से नहीं बना सकता वीडियो? क्या मैं सच्चाई नहीं दिखा सकता? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना कमजोर हो गया है कि उसे गेट के बाहर रखा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है, सहारा एक मुद्दा है कि नहीं है? जरा सोचिए, जो लोग जो है मर रहे हैं आज सहारा के वजह से, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? और सच्चाई ये है कि जहाँ भी जाते हैं गेट पे रोक दिया जाता है। मैं इस देश के यशस्वी सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहता हूँ कि मीडिया को प्रतिबंधित करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए पहले। अगर मैं अंदर से नहीं वीडियो बना रहा हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी पब्लिक की है, किसी के बाप की नहीं है प्रॉपर्टी, ये पब्लिक के पैसों से ये सहारा का इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा होकर बिल्डिंग वीडियो नहीं बना सकता, हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुस सकता, लेकिन ये ना जाने कितने एकड़ का हॉस्पिटल है उसके बाहर से वीडियो क्यों नहीं बना सकता? क्यों रोका जाता है हर बार? क्यों परमिशन पे परमिशन, परमिशन पे परमिशन? क्या राष्ट्रपति से परमिशन लेके आना पड़ेगा यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए? राष्ट्रपति महोदय जी, कार्रवाई कीजिए ऐसे संस्थानों पे जो मीडिया को प्रतिबंधित करते हैं और अंदर नहीं घुसने देते हैं। मैं क्या गलत दिखाने वाला हूँ? 1978 में बनी कंपनी 44 साल में ना जाने कितने करोड़ लोगों का पैसा लेके भाग गई और आज वो लोग मर रहे हैं। क्या उनके लिए आवाज़ उठाना जरूरी है कि नहीं है? क्या उनके दर्द को दिखाना जरूरी है कि नहीं है? और उनके दर्द को मैं अगर बाहर से दिखा देता तो क्या गुनाह कर देता? लेकिन इस देश की सच्चाई है कि अच्छा काम करना गुनाह है और गुनाह करना जो है ना, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे पुलिस चौकी भी बनाया गया है। पहले से ही पता था हॉस्पिटल बन रहा है, विवाद होगा तो पुलिस को भी खड़ा किया गया यहाँ पे कि जैसा विवाद होगा पुलिस आएगा, कूटना शुरू कर देगा, पीटना शुरू कर देगा। ये 1947 में देश आज़ाद हुआ था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में देश के लोग भी आज़ाद हुए थे। और जब 1947 में देश के लोग आज़ाद हुए थे तो आज आज़ाद भारत के आज़ाद लोगों के साथ इस प्रकार का अपराध करने वाला सहारा जो है अंदर मीडिया को नहीं घुसने दे रहा है। सोचिए कि देश कितना आज़ाद है और देश के लोग कितना आज़ाद हैं। इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं? और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कार्रवाई कीजिए इन लोगों के ऊपर जो मीडिया को प्रतिबंधित करते हैं, मीडिया को घुसने नहीं देते हैं।
और मैं अभी जाऊंगा हेड ऑफिस सहारा के और वहां से भी सच्चाई दिखाऊंगा। घुसने देंगे तो अंदर से दिखाऊंगा, नहीं घुसने देंगे तो बाहर से दिखाऊंगा, लेकिन सच्चाई दिखाऊंगा। और इनके रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों का पैसा लेके ये लोग भागे हैं और सारे लोग जो है अपने घर में जो है ना आज आंसू बहा रहे हैं। उन आंसू का कीमत जो है ना सहारा अदा कर पा रहा है, ना इस देश का शासक अदा कर पा रहे हैं। भारत के परिवार बनने की कहानी 1978 में शुरू हुई, जो कहानी गोरखपुर से शुरू हुई थी, लेकिन उस कहानी का जन्म आज़ादी के एक साल बाद 1948 में ही हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के एक बड़े बिजनेसमैन जिनका जन्म गोरखपुर के एक गांव में 1948 में हुआ था, और 30 साल के उम्र में 1978 में उन्होंने एक नींव रखा भारत का सहारा बनने का, भारत के लोगों का परिवार बनने का। कंपनी का नाम रखा सहारा इंडिया परिवार, मतलब कि इंडिया के लोगों का सहारा बनेंगे, परिवार बनेंगे। बहुत बड़ी कंपनी का नींव रखा गया। गोरखपुर से शुरू होके कहानी लखनऊ तक पहुंची और पूरे देश का हेडक्वार्टर लखनऊ में बन गया। उसके बाद से अप एंड डाउन चला। समय आया आईपीओ का। 2009 में सहारा ने अप्लाई किया कि हम आईपीओ लाना चाहते हैं। सेबी ने 2010 में उस पर जांच बैठा दिया, अनियमितता पाया गया, पता चला 72,000 करोड़ की कंपनी है और 62,000 करोड़ का लायबिलिटी है। अब 72,000 करोड़ की कंपनी और 62,000 करोड़ की लायबिलिटी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जांच हुआ, जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद हाहाकार मचा और 12 लाख लोग सहारा में काम करते हैं और 4 करोड़ लोगों का रुपया इसमें जमा है। जब हाहाकार मचा तो हो क्या, तो आनन फानन में कुछ नियम लगाया गया कि रिकवरी देना है, पैसा देना है, और इस प्रकार से देना है, उस प्रकार से देना है। 2016 में सुब्रतो मुखर्जी की माँ दुनिया में नहीं रही, छोड़ के चली गई। हमें संवेदना है उनके माँ से, लेकिन माँ के वजह से सुब्रतो मुखर्जी को जेल से बाहर पेरोल पे छोड़ दिया गया। अब ना जाने कितने लोगों ने अपने माँ के इलाज के लिए पैसा सहारा इंडिया परिवार में रखा था, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो भाई साहब जो वीडियो मेरा बना रहे हैं ना, वो भी ठोकर खा रहे हैं। अभी मुझे बताए थे कि उनका 32,000 रुपया है और कोई मदद नहीं करता है, और ये हेड क्वार्टर है। वो भाई साहब आप देख सकते हैं, ये है सच्चाई। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बताया, यहाँ तक कि इनके स्टाफ की भी सैलरी 2-3 महीना से रोकी गई है। जो ईमानदारी से लोगों को रोक के जो है ना सहारा को ग्रो करने का प्रयास करते हैं। 2000 के आसपास सहारा जो है वो इंडिया टीम का स्पॉन्सरशिप ले लिया, क्रिकेटर के जर्सी पे सहारा का लोगो आ गया। फिर लोनावला के एक जगह पे एमवे वैली का स्थापना किया गया, और इंडिया का सबसे महंगा प्रॉपर्टी वो लोनावला के टाइगर हिल के आगे 11 किलोमीटर आगे एमवे वैली का स्थापना किया गया। 2003 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता तो हर एक क्रिकेटरों को एक एक फ्लैट देने का वादा सहारा ने किया, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, हर एक क्रिकेटरों को फिर भी एक एक फ्लैट दिया गया। उसके बाद से अप एंड डाउन चलता रहा, इधर का पैसा उधर गया, उधर का पैसा इधर गया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और तमाम तरीके के गाइडलाइंस के बावजूद भी आज 4 करोड़ लोगों में से ना जाने कितने लोग परेशान हैं और कितने लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है, कितने लोगों की माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई बीमार है, पिता बीमार है, कितने लोगों को बेटी की शादी करना है, बेटे को पढ़ाना है, और वो सभी लोग परेशान हैं। कम से कम जो गरीब लोग हैं उनका पैसा जो है जल्द से जल्द रिटर्न होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा परेशान जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, क्योंकि भोले भाले लोग होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, नियम कानून थोड़ा कम जानते हैं, सेंटिमेंट में बह जाते हैं, सहारा को अपना परिवार बना लिए और सहारा ने उन्हें बेसहारा कर दिया। आज ये सच्चाई हमें
दिखानी पड़ेगी। क्या कुछ दिक्कत हो रहा है क्या सर? खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर मैं कहीं भी कुछ गलत बोलूंगा सर तो मुझे रोक दीजिएगा लोग, आप लोग। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोलेंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना? कहीं भी एक शब्द भी मैं गलत बोलूंगा तो मुझे रोक दीजिए लोग। आप सभी लोग सिक्योरिटी के है ना? हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। हम लोगों की ड्यूटी है, हाँ हम लोग छोटे से कर्मचारी हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा उधर जाके अगर आप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग सर मेरी बात समझ लीजिए। हाँ। हम लोग चूंकि भाई सुरक्षा के स्टाफ हैं तो हम लोगों का काम है कि रिक्वेस्ट कर ले। थैंक यू सर। इस देश में जब मोदी जी को रोका जा सकता है तो हम कौन सा खेत का मुराई है, हमको भी बाहर कर दीजिए। चलिए बाहर, अब बाहर से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम चिल्ला रहे हैं तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, और देखिए ऑफिस में पूरा कांच ओच लगा है फिर भी मेरा आवाज़ टनाटन सुनाई दे रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग, पुलिस वाले भी लोग हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सच्चाई ये है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनसे, ये गरीबों का पैसा दे दे, हम क्यों आके यहाँ चिल्लाना चाहेंगे? और ये सब चीज़ें जो है, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए कि सबसे बड़ी समस्या है कि हर दिन बैंकिंग सेक्टर में गरीब लूटे जाते हैं, हर दिन बैंकिंग सेक्टर में लूटे जाते हैं, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी लूटती है हर दिन, ना जाने कितने प्रकार के लोग आते हैं कहते हैं कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, वहाँ पे लूटे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग बाहर चल रहे हैं, और क्योंकि अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसलिए हम लोग बाहर निकल जा रहे हैं। समस्या ये है कि इन सब चीज़ों को अब दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए। एक्चुअली आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, मैंने आपकी वीडियो देखी है। चलिए ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और चौथे स्तंभ को ही लोकतंत्र से बाहर कर दिया जा रहा है, अब जरा सोचिए। ये चीजें हैं, और सहारा जब इंडिया का परिवार है और मेरी भी नेशनलिटी जब इंडियन है तो मैं इस परिवार में आके जो है अपनी समस्या को बता सकता कि नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जहां भी रहेंगे लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें सड़क के बाहर कर दिया जाए और चाहे कैंपस के अंदर रखा जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर निष्पक्ष तरीके से आम लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और हाँ, सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया में जितने लोगों का पैसा फंसा है उसके साथ साथ सहारा के कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वर्तमान समय में, उनकी सैलरी जो नहीं दी जा रही है, जो उनका सैलरी ग्रो करना चाहिए, हाइक करना चाहिए, वो भी नहीं किया जा रहा है, और छटनी भी किया जा रहा है कर्मचारियों का, उसका भी साथ साथ जाँच हो, क्योंकि वो भी किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, और किसी के पति हैं, और किसी के सहारा हैं, तो किसी का भी सहारा बेसहारा ना हो, इसका प्रयास हमें करना होगा। और बाकी कैंपस के अंदर से वीडियो बनाए, कैंपस के बाहर से वीडियो बनाए, लेकिन लड़ेंगे लोगों के लिए, ये वादा करते हैं। सहारा इंडिया परिवार को बड़ा करने वाला कोई और नहीं, सहारा इंडिया के एजेंट थे जिन्होंने भरोसा दिलाया कि सहारा इंडिया आपका परिवार बनेगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके साथ हैं, अगर सहारा इंडिया पैसा नहीं देगा तो हम देंगे। और वैसे एजेंट आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोग उन एजेंट को पकड़ रहे हैं और सहारा इंडिया उन्हें पैसा नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज। क्या समस्या है आपको? हमको 2014 से गुमराह किया जा रहा है, भुगतान नहीं दिया जा रहा, कागज़ बदलवा लिया गया कि आगे पैसा मिलेगा, 3-4 साल 5 साल बाद आज स्थिति यहाँ हो गई कि एकदम कुछ भी नहीं, एक रुपया भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। कितना और पैसा फंसा है आपका? हमारा करीब पब्लिक का भी बहुत पैसा हमने जमा कराया है जो कि फंसा है, और मेरा भी है, करोड़ों में है, करोड़ों में है। अच्छा ये बताइए, सहारा इंडिया में कितना दिन आप काम किए? सन 2000 से काम कर रहे हैं। और कब तक काम किए लगातार? 2017-18 तक हमने काम किया है। मतलब 18 साल अपने जीवन का सहारा इंडिया परिवार को दिया, सहारा इंडिया परिवार को बड़ा किया, और आज सहारा इंडिया परिवार आपको बेसहारा कर दिया है। सहारा हमको कोई एक रुपया सैलरी गाँव में रहते हैं अभी कि भागे हुए हैं? भागे हुए हैं हम लोग, शहर में मतलब कहीं पे छुपे छुप के रह रहे हैं। अब देखिए इस दर्द को समझना होगा, इन्हें जरिया बना दिया गया कि पैसा इकट्ठा करो सहारा में डालो,
और सहारा का पैसा एमवे वैली में चला गया और वहाँ का फ्लैट सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया, मोहम्मद कैफ को दे दिया गया, सौरभ गांगुली को दे दिया गया और भारतीय टीम के सभी प्लेयरों को दे दिया गया। ये है सच्चाई। पैसा यहाँ से उठाया गया, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, यहाँ से उठाया गया वहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, गरीब तो बीच में लटक गया। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम इंजमामुल हक है। मेरे पिताजी जो है एज एजेंट जैसे लोगों से कलेक्शन करके पैसा और ले जाके सहारा वाले उसमें जमा करते थे, ठीक है। 2004 से उन्होंने काम किया निरंतर पूरी मेहनत और लगन के साथ। उसके बाद उनको मिला क्या? उसके साथ खाली धोखा मिला है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है? उनकी वजह से आज सारा लोग जो है मेरे घर पे मेरे गांव में जाते हैं, मेरा पैसा दीजिए। अब बताइए वो अपना पैसा कहाँ से देंगे, ठीक है। वो तो एक कर्मचारी थे, कंपनी ने उनसे काम करवाया, कंपनी अब नहीं दे रही है पैसा तो एजेंट कहाँ से देंगे? एजेंट की भी तो मजबूरी है। क्या हुआ था दिक्कत? 3 से काम कर रहे हैं और हजारों लोगों का पैसा हम लोगों के माध्यम से जमा है जो कि नहीं मिल पा रहा। लगातार 2016-17 तक हम लोग काम किए, जितना पैसा जमा कराया केवल आते हैं बातचीत करके लौट जाते हैं, भुगतान नाम की कोई चीज़ नहीं। हम लोगों का पूरा करियर खराब हो गया, जवानी के सारे जितना भी। कहाँ दौड़ाया जाता आप लोगों को? हम लोग कानपुर भी दौड़े, कानपुर मतलब 3-4 साल दौड़ते रहे, फिर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, अधिकारी नहीं बैठ पा रहे हैं ना बता पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजीत प्रताप सिंह। सहारा इंडिया से जुड़े हुए हैं जी। क्या समस्या हुआ आपको? पेमेंट नहीं हो रहा है, पार्टी परेशान कर रही है, पार्टी और दरवाजे पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री राम। श्री राम जी, अच्छा ये बताइए अभी तो रामराज है ना, रामराज में धोखा हो गया आप लोगों के साथ? बिल्कुल धोखा हुआ है। अभी देखिए सहारा इंडिया परिवार को खड़ा करने वाले लोग जो है सहारा इंडिया के अंदर से वीडियो नहीं बना सकते, उन्हें बाहर भगा दिया गया और धकिया के भगाया गया है। क्यों? क्योंकि अंदर अगर आवाज करेंगे तो ऊपर के अधिकारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जरा सोचिए नीचे बोलने से ये 10 मंजिल के ऊपर काम करने वाले अधिकारी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, वो भी अधिकारी का कमरा में AC लगा हुआ है, फुल साउंड प्रूफ कमरा बना हुआ है, बाहर बोलने से उनको डिस्टर्ब हो रहा है। लोग यहाँ आते हैं अपनी बात कहने के लिए तो यहाँ कोई अधिकारी मिलता नहीं, बात नहीं सुनता है, बात करने के लिए नीचे नहीं उतरता है, अगर उतर के आता भी है तो बाहर से ही रफा दफा कर देता है, कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं। क्या समस्या हुआ आपको? समस्या भुगतान की है, भुगतान करीब 6 वर्षों से नहीं हो पा रहा है। हम लोग 6 वर्षों से दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। तो क्या उम्मीद लगता है कि भुगतान हो पाएगा? भुगतान की कोई उम्मीद नहीं, हम लोग जनवरी में टाइम दिया गया था, जनवरी में कोई मिल नहीं रहा अधिकारी। जनवरी में कोई अधिकारी नहीं मिल रहा? कोई नहीं मिल। कहाँ कहाँ दौड़े हैं भुगतान के लिए अभी तक आप? हम रीजन मंडल सेक्टर ऑफिस और हेड ऑफिस में खड़े हैं। रीजन मंडल सेक्टर और हेड ऑफिस सब जगह दौड़े हैं। समस्या बहुत बड़ी है, गंभीर है और आज अगर एक कंपनी भारत के लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जा रही है तो कहीं नहीं तो कहीं भविष्य में और भी कंपनियां भागेगी और हर दिन भागती ही है। नॉन बैंकिंग कंपनियां जो है, माइक्रो फिनांस कंपनियां जो है, वो हर दिन भाग जाती है और बिहार उत्तर प्रदेश में तो लगातार इस प्रकार का घटना होता है कि पैसा जमा किए थे, एक महीना तक रिटर्न दिया, अगला महीना लेके भाग गया, एक महीना तक थोड़ा ज़्यादा दिया, अगला महीना थोड़ा ज़्यादा लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और बीच के जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पे भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं, आप देख सकते हैं। और बीच के जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पे बेसहारा बनने के लिए मजबूर होते हैं, आप देख सकते हैं। जिनका पैसा है वो जाके अंदर चिल्ला नहीं सकते हैं क्योंकि आएगा पुलिस उठा के फेंक देगा बाहर और ज़्यादा चिल्लाएंगे तो धारा 353 सरकारी काम में बाधा का एक आरोप लगेगा और केस हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ाद भारत में मीडिया को धकिया के बाहर निकाल दिया जा रहा है। आज़ाद भारत में जिनका पैसा ले कर बैठे हुए हैं उन्हें अंदर से बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज़ाद भारत में आज़ाद लोग अपनी बातों को आज़ादी के साथ नहीं रख पा रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा हम क्या कहें और इससे ज़्यादा आप लोग क्या समझेंगे। ऑन कैमरा हमें सहारा के कैंपस से बाहर निकाल दिया गया तो समझिए आम लोगों के साथ किस प्रकार सा दुर्व्यवहार किया जाता होगा। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि इस देश के राजनीतिक पार्टियों का अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हो सके तो आम लोगों का पैसा लूटने वाले लोगों को सजा दें और आम आदमी का घर लूटने का प्रयास ना करें। बस हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो सहारा इंडिया ने जितने लोगों को बेसहारा किया है उसका सहारा बनने का प्रयास करना। जय हिंद।